हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। गाइस, ये हमारे किचन का पुराना बॉक्स था, डिब्बा था, मैंने उसमें पहले से प्लांट लगा लिया है। और प्लांट लगाने के बाद जो प्लांट मेरा लग गया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें कलर किया है। पहले मैंने इसमें हाफ़ कलर ब्लैक कर दिया, हाफ़ मैंने वाइट कर लिया है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये कि बहुत ही अच्छा बन के नया लुक आएगा, क्योंकि मैंने इसमें हाफ वाइट हाफ ब्लैक किया है। और इसमें जो प्लांट्स था, तो ये बहुत ही हैंगिंग वाला प्लांट्स था, तो वो नीचे लटक रहा था, तो मैंने इस प्लांट के में क्लचर लगा दिया है ताकि वो मुझे पेंटिंग करने में डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद मैं ईयरबड को ले ली हूँ, उसके बाद मैं उसमें कलर लगा के इसके ऊपर मुझे ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है। और ये बहुत ही इजी है और जल्दी ही बन जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जब ये पूरा पॉट बन जाएगा तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है गाइस। और इससे क्या है, आपके घर में जो पुराने डिब्बे हैं आप उसे भी यूज़ कर पाएंगे और बहुत सुंदर सा प्यारा सा गमला बना सकते हैं और अपने घर को भी सजा सकते हैं। आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत प्यारा लगता है गाइस। और इससे क्या है कि आपके घर के जितने भी बेकार डिब्बे पुराने पड़े, आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है अभी से ही, और आपको बस ऐसे ही करते जाना है। मैंने पर्पल कलर से ये हाफ वाइट जो था, हाफ ब्लैक, मैं दोनों साइड ही ऐसे पर्पल से मैं करते जाऊंगी। और ये देखिए कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है और ये बहुत ही प्यारा है। हाँ, आपके घर में भी जो भी बॉक्स डिब्बे कुछ भी हैं, बोतल हैं, आप उसको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर गमले बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। और आपको बाजार से कोई गमले लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। मेरा तो मानना है, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको कोई बाज़ार से कोई चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी डिब्बे हैं आप उसमें लगा लीजिए, उसके बाद उसमें अच्छे से कलरिंग कर दीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं रेड कलर से उसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैंने पहले एक साइड से मैंने पर्पल लगाया था, अब दूसरे साइड से मैं रेड कर रही हूँ। अब देखिए पहले कैसा लग रहा था, प्लेन सा था डिब्बा मेरा, अब ये लग ही नहीं रहा कि ये डिब्बा है। और ये मार्केट की तरह बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा पॉट बन गया है हमारा, और कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है। और गाइस, आपको हमारे आइडियाज़ कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाती रहूं और नए नए आइडियाज़ लेके आते रहूं। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये मेरा चैनल ही है जो घर में बेकार सामान को रीयूज़ करना है, तो मैं उसी पे मेन मेरा टॉपिक है। मैं जो पुराने सामान पड़े हैं मैं उसे अच्छे से यूज़ करके आपको बताऊं। अब जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जो प्लांट में क्लचर लगाई हूँ उसको मैं निकाल दूंगी। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरे साइड से एक ही जैसे बनाया है, आप किसी भी साइड से आप रख दीजिए तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो मैंने पूरे में ही ऐसे कवर कर दिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने इसका क्लचर निकाल दिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्लांट पूरा सेव कर गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी तो मैं इसमें नया प्लांट लगाई थी, कुछ दिनों बाद ये पूरा भर जाएगा तो और भी प्यारा लगेगा। प्लांट्स कभी कभी कोई बेचने आता तो मैं ले लेती हूँ, उस समय मेरे पास पॉट नहीं होता है तो मैं किसी डिब्बे में लगा लेती हूँ, बाद में
फिर मैं वैसे कलर कर लेती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।